अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरेट ऑन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं उस्मान अली, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट सिटी विलाज के अंदर। और आप ये देख रहे हैं, अभी मैं रोड 3 के ऊपर जो है ट्रैवल कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप ये देखेंगे बैरेट ऑन ने इन विलाज को जो है ना, इसके फ्रंट एलिवेशन देखेंगे आप, एक ही तर्ज के ऊपर बनाए हैं सारे, लाइक के इसके जो है इसकी खूबसूरती को मेनटेन रखने के लिए। तो यहाँ पर बहरिया ने एक और चीज़ आप नोट करेंगे इस टूर के अंदर, कि बहरिया ने किसी भी चीज़ को जो है ना यहाँ पे जो है ना वो ज़ाया नहीं किया। लाइक के जैसे कि अभी ये हाई टेंशन वायर है यहाँ पे, तो इसके साथ भी देखें बागात बना दिए बहरिया ने इसकी, ताकि खूबसूरती जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो मेंटेन रहे। तो अब ये देखेंगे आपके, आपको यहाँ पे वो फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत सारी नज़र आएंगी जो कि स्पोर्ट सिटी में रह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये 4 बेडरूम अकोमोडेशन है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह के बड़े घर को जो है ना वो पसंद करते हैं। ठीक है, एक लग्जरी हाउस कह लें, इस तरह इसको पसंद करते हैं। आपको इसके अंदर देखेंगे, आपको हर घर के सामने जो है वो आपको एक छोटा सा गार्डन बना हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह इसकी बैक साइड पे जो है ना बहुत ही बड़े साइज़ का उन्होंने जो है वो गार्डन दिया है। ठीक है, और इसकी इन साइड पे, और इसी तरह जो है ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हर घर के सामने जो है जहाँ पे ये डस्टबिन पड़ी हुई है, उसका मतलब ये है कि उस घर के अंदर जो है ना फैमिली मौजूद है। तो अभी एक रफली एक कह लें कि आप एक सर्वे है, उस सर्वे के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये आप देखेंगे कितनी तादाद के अंदर जो है फैमिलीज रह रही हैं। अभी ये जस्ट मैं कह रहे हैं कि एक स्ट्रीट के अंदर जो है ना वो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक स्ट्रीट के अंदर आपको ये वाला जो है वो मंजर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके और जो है वो रोड या स्ट्रीट की तरफ लेकर जाऊँ आपको, आपको हर स्ट्रीट्स के अंदर जो है ऐसे ही देखने को चीज़ें मिलेंगी। अभी ये इसके कहने के इसका ये मिड है, इसका सेंटर है स्पोर्ट सिटी का, उसके सेंटर में अभी ये मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ताकि ये कि हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनके जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हों, कि यहाँ पे जो है आगे के फ्रंट वाली साइड पे अगर हम जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा आपको फैमिलीज देखने को मिलेंगी, अगर हम सेंटर पे हैं तो मतलब ये है कि सेंटर वाली साइड पे भी अच्छी खासी जो है तादाद में फैमिलीज आ गई हैं। और इसके और भी एक बड़ी मज़े की बात है कि यहाँ पर जो मस्जिद है वो मस्जिद भी ऑपरेट है अलहमदिल्ला, और इसी तरह साथ ही रफीक स्टेडियम है, पिसन 31 की जो शॉपिंग गैलरी है वो बन गई है, वहाँ पर मस्जिद जो है ना वो बन रही है, और इसी तरह 33 की शॉपिंग गैलरी जो है ना वो भी ऑपरेट है। जिन लोगों को पहले यहाँ से ग्रोसरी का थोड़ा सा मसला बन रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका वो भी क्लियर हो गया कि वो यहाँ से अपनी बासानी के साथ जो है ना वो ग्रोसरी वगैरह जो है ना वो ले सकते हैं। तो अभी ये देखेंगे कि आपको हर तरह के जो है ना वो विलाज के अंदर देखेंगे तो आपको ना सेम एलिवेशन नज़र आएगा, मतलब ये है कि आपको हर घर के सामने खजूर का दरख्त भी नज़र आएगा, और ये आपको इस तरह का इन्वायरमेंट बैरियर टाउन के अलावा मैं ये समझता हूँ कि आपको किसी और सोसाइटी के अंदर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और ये अगर आप मैं इसकी प्राइस की बात करूँ अगर, तो ये इस वक्त जो है ना आपको बहुत ही मुनासिब प्राइस के अंदर लाइक के 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 25-30 लाख के ब्रैकेट में एक अच्छा घर जो है वो 350 स्क्वायर यार्ड का वो मिलता है। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, अगर आप थोड़ा सा इसकी नॉलेज रखते हैं कंस्ट्रक्शन की और प्लॉट की, अगर आप प्लॉट लेते हैं 350 गज का, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको जो है ना 4.5 करोड़ तक जो है ना वो इसकी जो है ना वो लागत आती है टोटल, अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। इससे आपको ये साबित होता है कि अगर ये आप बाइंग करते हैं तो आपको जस्ट कंस्ट्रक्शन के पैसे ही देने पड़ रहे हैं, प्लॉट आपका फ्री है। मतलब कि इस तरह की और इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर, इस तरह कम प्राइस के अंदर आपको इस तरह का लग्जरी हाउस जो है वो मिल रहा है आज। तो इसी तरह अगर हम मैं यहाँ पर भी देखेंगे स्पोर्ट सिटी के अंदर जो है ना आपको रफीक का स्टेडियम का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। तो अभी ये सारी चीज़ें जब अट्रैक्शन वाली आसपास होती हैं किसी भी घर के पास, मिसाल के तौर पे जैसे आपके घर के साथ जो है वो हॉस्पिटल है, या इसी तरह जो कुछ स्कूल्स वगैरह नज़दीक हैं, यानी कि जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़दीक मिलेंगी, उस जो लोकेशन की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली जो वो इंक्रीज़ करती है। तो अभी आप समझने कि आपको बहुत ही मुनासिब प्राइस के अंदर ये ऑप्शन मिल रहे हैं, और जैसे ही ये चीज़ें थोड़ी सी मज़ीद जो है ना वो आबाद होती हैं, आपको इसके जो रेट्स हैं ये एक पीक पे चले जाएंगे, लाइक के आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी आपको अप्रिसिएशन देखने को मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर। तो बाकी बेस्ट टाइम है, इस बेस्ट टाइम से फ़ायदा उठाते हुए आप यहाँ पे जो है इसकी जो है ना वो रिहाइश कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी कंसर्न हो तो देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।